वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट द सेशन। उनका कंपाउंडेड रेशियो की कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो किस तरीके से करेंगे आप। कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो ए रेशियो बी आगे सी रेशियो डी आगे ई रेशियो एफ, अगर इस तरीके से आ जाए तो कैसे करेंगे आप। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, ए ई सी ई रेशो बी डी एफ, बी डी एफ, इस तरीके से आपका जो होगा वो आंसर होगा। ये आपका बेटा कंपाउंडेड रेशो है। ठीक है बेटा, समझ आया नहीं कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताएंगे आप। ये बेटा आपका कंपाउंड रेशो है, अगर ए रेशो बी सी रेशो डी ई रेशो एफ हो, तो अगर आपको डायरेक्ट पूछ रखा हो कि भैया ए सी ई रेशो बी डी एफ निकालिए, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है इस तरीके से आपने निकालना है। क्लियर टू एवरीवन? विकास, बढ़िया। उर्वी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशिका सिंह, देखिए जब भी आपका कैमरा ऑन है, आप ये मान के चलिए कि मैं हर एक बच्चे को देखता हूँ, हर एक बच्चे को कुछ सेकंड्स के बाद, हर एक बच्चे को स्क्रीन फुल करके। ठीक है, कैमरा बंद कर लिया वो अलग बात है, उसके बाद आपके पेरेंट्स तक बात पहुंचाएंगे हम अच्छे से कि भैया कैमरा बंद था। तो जब तक आपका कैमरा ऑन है, और ऑन करके ही रखिए भाई, क्लासरूम के बाहर आपने करना क्या है जाके। अभी मैं देख रहा हूँ अंशिका सिंह को, आई थिंक शी इज टॉकिंग टू समवन विद हर फैमिली मेंबर आई थिंक। उर्वी सिंह, अनमोल, ऋषिकांत मिश्रा, ध्यान यहाँ पे रखना मेरे भाई, ध्यान यहाँ पे रखना है, क्योंकि दुर्घटना घटी सावधानी हटी, है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा इसी बात पे। ये क्वेश्चन जो है अंशिका सिंह के ना, उनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, बिल्कुल सिंपल से शुरुआत करेंगे। इफ 10% ऑफ एक्स, इफ 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई, 20% ऑफ वाई, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई। इस क्वेश्चन में ज्यादा लंबा चौड़ा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कल मैंने मेरे भाई आपको बताया था, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू कैंसल आउट ऑफ ऑफ परसेंटेज परसेंटेज, डायरेक्ट उड़ा देने हैं वहां से, पूरा नहीं लिखना है 10 into 1 upon 100 करके, फिर बेटा वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे भी कर सकते हैं आप, दैट इज द बेसिक मेथड, दैट इज योर बेसिक मेथड। देखिए 10% ऑफ एक्स 20% ऑफ वाई, है ना, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ से ऑफ डायरेक्ट काट दो, ऑफ से ऑफ डायरेक्ट काट दो, मल्टीप्लीकेशन में है, ऑफ नीचे आ सकता है, मल्टीप्लीकेशन में है, परसेंटेज से परसेंटेज डायरेक्ट काट दो, बचा क्या आपके पास, ये 20 है, इसको नीचे ले आओ, ये बचेगा भैया 10/20 विल बी इक्वल टू 10/20, ध्यान से बड़ा ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जल्दी 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 जल्दी, आपने क्या निकालना है, एक्स रेशो वाई निकालना है, क्या निकालना है, एक्स रेशो वाई निकालना है, जल्दी निकालिए जल्दी निकालिए जल्दी जल्दी जल्दी। तो 10/20 विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, है ना, वाई अपॉन एक्स, मुझे तो एक्स रेशो वाई निकालना है, एक्स रेशो वाई, जल्दी 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 बड़ा, आंसर कितना, अंशिका सिंह आंसर आया बेटा, यस बेटा, एक्स रेशो वाई, भविष्य यादव, बिल्कुल बढ़िया आंसर, भविष्य यादव बिल्कुल बढ़िया आंसर। अंशिका बेटा मैं आप ही के आंसर का वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं बढ़ूंगा नहीं आगे जब तक आप आंसर नहीं निकालेंगे। एक्स रेशो वाई निकालेंगे आप, एक्स रेशो वाई निकालेंगे आप बेटा, जब भी यहां से मैं एक्स रेशो वाई निकालूंगा कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, x will be equal to 2:1। विकास raised hand, हाँ मेरे भाई विकास, क्या समस्या है, परेशानी है, घर परिवार से समस्या, कोई बाबा से समस्या, तांत्रिक से समस्या, काल, किसी भी प्रकार की समस्या जो है, मैथमेटिक्स के गुरु से आपने मिलना है। अंशिका सिंह बेटा हो गया, बातें बाद में कर लेना, ठीक है, जो भाई बहन आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं इनसे बाद में कर लेना बात, पहले फोकस रखिए क्वेश्चन के ऊपर। उर्वी सिंह पूरा फोकस बनाए हुए हैं, बढ़िया, फोकस के साथ पढ़ाई करनी है आपने। विकास, हाँ भाई मेरे पास सबका आंसर आ रहा है,
विकास मेरे भाई, मेरे पास सबका आंसर आ रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी, डू नॉट वरी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर टू है आपका। लिखिएगा, इफ टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई। लितेश बेटा क्या हुआ, कौन बुला रहा है? लितेश कौन बुला रहा है आपको? तो बेटा कॉपी पेन लेके सिर्फ कॉपी और पेन को देखना ही नहीं है, ये प्रकृति की चीजें नहीं है कि भैया सुंदर पहाड़ वन है देख के मन चंचल होता है। मन चंचल तब होगा मेरे भाई जब हम कॉपी पे सॉल्यूशन निकालेंगे। देवराज सिंह, देवराज बेटा कॉपी पेन कहाँ है आपका? देवराज देखिए, वीडियो ऑन कर लिए देवराज, तो वीडियो ऑफ कर लिए। भविष्य यादव कौन से जंगलों में बैठे? अच्छा घर में बैठे हुए, ठीक है बेटा। आदित्य राज सिंह बेटा वीडियो ऑन करो। क्रिश शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी दिनों के बाद आप दिखाई दिए। आप उस समय दिखाई दिए जिस समय क्लासेस के बंद होने का समय आ गया, स्कूल खुलने का समय आ गया, उस टाइम पे आप हमें दिखाई दिए। आदित्य राज सिंह वीडियो ऑन कीजिए बेटा, बढ़िया मास्क लगाए हुए आदित्य राज सिंह। सुप्रिया गुप्ता, देवराज सिंह, देवराज को मुझे लगता है कि छुट्टी के ऊपर भेजना पड़ेगा, देवराज को कर दिया मैंने बाहर। बढ़िया, वीडियो ऑफ आप भी बाहर बेटा, वीडियो ऑफ आप भी बाहर। सुप्रिया गुप्ता वीडियो ऑन कर लीजिए, सुप्रिया गुप्ता वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। इसका आंसर जल्दी से निकालिएगा, इसका आंसर पहले क्या करेंगे बेटा, पहले क्या करेंगे, पहले कम से कम मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू तो आ जाए, है ना। क्रिश शर्मा वीडियो ऑन करो नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा। दक्ष खत्री आराम से बैठो मेरे भाई, आराम से कॉपी पेन लेके नाक को बाद में खुजला लेना। दक्ष खत्री आवासी ले रहे हो यार क्लासरूम में, दक्ष खत्री। देखिए जब भी बेटा आपने इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना है, रुद्र प्रताप सिंह राणा ध्यान पूरा यहाँ पे, रुद्र प्रताप सिंह राणा ध्यान यहाँ पे बेटा, कॉपी की तरफ ध्यान दो। देखिएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको टुकड़े करने पड़ेंगे मेरे भाई, फैक्टर करने पड़ेंगे, तभी मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, है ना। मैंने क्या किया भाई, सप्लिटिंग द मिडल टर्म इसको सॉल्व किया, सप्लिटिंग द मिडल टर्म इसको सॉल्व किया भाई। सप्लिटिंग द मिडल टर्म, सुप्रिया गुप्ता बहुत बढ़िया। गुप्ता जी कैमरा भी ऑन करना होता है, पबजी बाद में खेल लेना। सप्लिटिंग द मिडल टर्म ये बन जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा टू एक्स स्क्वायर इंटू थ्री वाई स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई किया तो बेटा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना। भविष्य बेटा गलत है आपका आंसर, दोबारा ट्राई कीजिएगा। और माइनस के सेवन एक्स वाई को कैसे लिखूंगा, माइनस के सेवन एक्स वाई को लिखूंगा मैं माइनस का एक्स वाई माइनस का सिक्स एक्स वाई, क्योंकि जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बनेगा। आगे देखिएगा यहाँ पे लिख दीजिए माइनस एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन देखो, वही दूल्हे राजा का बैंड बजा दीजिए, दूल्हे राजा का शादी वाला बैंड बजा दीजिए और कॉमन निकाल लीजिए जल्दी से, कॉमन जल्दी से निकाल लेंगे आप। नितेश बड़ा समझ आ रहा है आपको? नितेश यहाँ पे हमने देखा भैया x जो है वो कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा 2x माइनस y, यहाँ पे 3 कॉमन है, y कॉमन है, अंदर रह जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू जीरो। फिर से कॉमन जब हमने निकाला तो क्या आया 2x माइनस y और x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू जीरो है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग पुट करके जीरो वैल्यू कर सकते हैं। देखिएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब आप यहां से 2x बराबर कितना आएगा, 2x कितना आ जाएगा भैया, y आ जाएगा, और यहां से x कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, x रेशो y निकालना है। क्या निकालना है भैया, x रेशो
वाई निकालना है आपने, एक्स रेशो वाई। तो कैसे, एक्स अपॉन वाई जब आप निकालेंगे यहां से, एक्स अपॉन वाई, तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू आएगा कि नहीं आएगा, वन अपॉन टू आएगा कि नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वो नीचे चला जाएगा, और दूसरा जो आंसर होगा हमारा, और ये भी होगा और ये भी होगा, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर दोनों होंगे। एक्स इज इक्वल टू 3 बाय, तो भैया एक्स अपॉन वाई, एक्स इज इक्वल टू 3 वाई है यहाँ पे हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे एक्स रेशो वाई तो क्या आएगा, क्या आएगा बताएंगे जल्दी, 3/1 दैट विल बी इक्वल टू 3:1। तो ये भी आप ही का आंसर है, आप ही लोगों का आंसर है, 3:1 जो है, अगर आप ध्यान देंगे, मतलब देयर फोर एक्स रेशो वाई, दो आंसर आएगा, कौन सा, 1:2 और 3:1, 1:2 और 3:1 बेटा, यही आपके आंसर्स होंगे, यही आपके आंसर्स होंगे। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ जी सर हमें समझ आ गया, जल्दी से बेटा। ऋषिकांत मिश्रा समझ आ रहा है, सर माई मदर इज कॉलिंग मी सो प्लीज वेट मी 2 मिनट्स आई विल बी बैक। क्रिश शर्मा, मतलब क्या गजब के गजब, मतलब बढ़िया। यू शुड टेल योर मदर दैट मॉम आई एम बिजी इन द क्लासरूम विद माई मैथमेटिक्स टीचर, आई डोंट नो। ऐसा आपने तो बिल्कुल मुझे मैसेज नहीं करना मेरे भाई, ऐसे मैसेज, आपके मदर बुला रहे हैं, फादर बुला, अच्छी बात है जाइए, 2 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट पहले मैसेज किया था, अभी तक नहीं आए हैं वो, इतनी सिंसियरिटी नहीं दिखानी है, हमें पता है आपका सिंसियर कितने हैं। विकास को समझ आ गया, ठीक है, भविष्य यादव को अनम्यूट करना पड़ेगा, कौन सी समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है इन पे पूछना पड़ेगा मुझे। भविष्य यादव बेटा चैट बॉक्स में बता दो अभी, भविष्य यादव बेटा अभी आप चैट बॉक्स में बता दीजिए, तब तक आगे बढ़ेंगे, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा, लिखिए, इफ एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7:3, 7:3, 7:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ, आपने रेशियो फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जल्दी से बड़ा लितेश, जल्दी से सॉल्व करेंगे आप ये क्वेश्चन जो है वो, आपके नाम है और उर्वी के नाम, मतलब आपको सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। देखो मेरी नजर हर एक बच्चे पे है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर मैं दो दो मिनट कहीं क्वेश्चन समझाने में बिजी हो जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, आई एम वॉचिंग एवरी स्टूडेंट। अब देखिए रुद्र प्रताप, देव, सत्यम सिंह, रोहित, अरिहंत, गणेश, अब इनको बाहर करने में ही मजा आता है ना, बलराज रंधावा, सत्यम पटियार, आर्यन डडवाल, क्रिश शर्मा, सुप्रिया गुप्ता, भविष्य यादव, वीडियो ऑफ करके रखे हुए ये लोग। चलिए अब सबकी वीडियो ऑन है, बढ़िया सुप्रिया जी, वीडियो ऑन ही रखनी है मेरे भाई आपने, ठीक है बेटा, वीडियो ऑन ही रखनी है आपने, ऑफ नहीं रखनी है जी, तो यहीं से पापा का कॉल लगा देंगे कि भैया वीडियो ऑन करवा दीजिए सुप्रिया की। देव, बस ऐसे बेटा ऐसे, बढ़िया कैप, कैप बहुत बढ़िया, देव आपकी, देव कैप बहुत बढ़िया है, बस बस बस, बहुत बढ़िया कैप है बेटा। रिस्की जट खटकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिस्की जट खटकर, इंस्टाग्राम के बादशाह रिस्की जट खटकर। हाँ भविष्य यादव, अब आपको अनम्यूट करो खुद को, अब बताओ क्या समस्या है भविष्य यादव, अगर आवाज नहीं पहुंच पा रही है बेटा आपकी यहाँ तक, दोबारा एक बोलिए, दोबारा बोलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भविष्य यादव नॉट ऑडिबल मेरे भाई, नॉट ऑडिबल। अंशिका सिंह, पेन नहीं खाना है बेटा, पेन नहीं खाना है, पेन बाद में खा लेना मेरे भाई, पेन नहीं खाना है अभी, अभी लंच का समय नहीं हुआ है। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं ये जल्दी से, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, मेरे पास आंसर कितने का है, सिर्फ सरताज चीमा का आंसर आया है, वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं, सरताज चीमा, सरताज जी थोड़ा सा मैं कहूंगा। अंशिका बेटा पेन नहीं खाना है, पेन नहीं खाना बेटा, पेन नहीं खाना है,
कौन से बच्चे हैं पेन खा रहे हैं। चलिए बेटा जल्दी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपने निकालना है। चलिए चलिए चलिए, अरिहंत गणेश श्रीवास्तव थोड़ा सा गड़बड़ा गया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा, अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें, एक मेथड तो वो हो सकता है भैया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें आप, है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। दूसरा, अब देखिएगा, छोटा मेथड अपनाएंगे। देखिए, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आपको कितना दे रखा मेरे भाई, 7/3 दे रखा है, 7/3 दे रखा है ना। अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू भी निकालूंगा ना, तो भी मेरा काम बड़ा इजी हो जाएगा। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू भी निकालूंगा तो भी मेरा काम बड़ा इजी हो जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना है, 7 है। एक्स माइनस वाई कितना है आपका, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझना बेटा, यहीं से, यहीं से एक्स प्लस वाई बेटा आपका 7 है, एक्स माइनस वाई कितना है आपका, एक्स माइनस वाई कितना है आपका, 3 है। तो क्या मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं? जी हाँ, आप सबको ऐड कर दीजिए। सत्यम पड़ियार बाद में देख लेना मेरे भाई, गली में, गली मोहल्ले में बाद में देख लेना। सत्यम पड़ियार, यहां से बेटा एक्स की वैल्यू आई 5, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी मेरे भाई 2। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले आप बताएंगे मुझे। डायरेक्ट निकालेंगे भैया, डायरेक्ट लंबा चौड़ा मेथड कुछ नहीं अपनाएंगे। प्रिया गुप्ता, सुप्रिया बेटा पेन नहीं खाना है, डायरेक्ट। अब आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है ना। हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये निकालना है। एक्स कितना आया, 5 आया, मतलब 5 का क्यूब जमा 2 का क्यूब डिवाइड 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। 125 में 8 जोड़ो और नीचे वाले में मेरे भाई 125 में से 8 घटा दो, आंसर 133/117, 133/117। हर्षवर्धन राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी सदियों के बाद आपके दर्शन हुए विशाखापट्टनम की गलियों से। भविष्य यादव बेटा, जो कि डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, और आंसर ऐसे निकालना है बेटा, 2 स्टेप में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना है। बढ़िया बढ़िया, ये कौन है भैया, किसको समझ आ गया, विकास को समझ आ गया। आर्यन नायक ठीक है, सुप्रिया गुप्ता ठीक है, बढ़िया। भविष्य यादव बेटा आराम से बैठो, ऐसा लग रहा है छोटे बछड़े की तरह इधर उधर घूम रहे हो नाक आगे करके। बेटा आराम से बैठो, कोई समस्या नहीं, आराम से बैठो। हर्षवर्धन राज, हर्षवर्धन राज, हर्षवर्धन राज, हर्षवर्धन राज, बेटा आराम से बैठो। हर्षवर्धन क्या समस्या है, देखिए जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, उनको एक तरफ कर दीजिए। ये समस्याएं नहीं आएंगी तो जिंदगी की जीने का कोई फायदा नहीं होगा आपका, है ना बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए, इफ 2x+3y रेशो 3x+5y इज इक्वल टू 18:29, 18:29, अरे भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेशो वाई, फाइंड एक्स रेशो वाई, जल्दी से इसका आंसर निकालिएगा। अंशिका सिंह जल्दी से बेटा, जल्दी से आंसर निकालिए इसका। सुप्रिया गुप्ता, देखिए 2 आंसर निकाले हैं सुप्रिया ने, एकदम धड़ाधड़, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ऋषिकांत मिश्रा, अरे मेरे भाई पबजी बाद में खेल लेना, पहले सॉल्यूशन निकाल दे। ऋषिकांत मिश्रा, सरताज चीमा, अनमोल, मैंने आपको बेटा कल भी कहा था कि आपका जो बैकग्राउंड है ना वो दिखता नहीं है, उसमें आपकी फोटो दिखाई नहीं देती है, वो पता नहीं कौन सा थानोस खड़ा है पीछे,
कौन सी चुटकी बजाएगा वो, दिखाई नहीं देता कुछ उसका। बढ़िया 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 बढ़िया। विकास को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है क्योंकि मैं ब्रह्मास्मि हूँ, ब्रह्मांड हूँ। मेरी आवाज किसी को नहीं आएगी, कुछ बच्चों को आएगी, सिर्फ कुछ बच्चों को, जिनका इंटरनेट बढ़िया है सिर्फ उनको ही मेरी आवाज आएगी। सरताज भैया आंसर निकाल दीजिए। सरताज भैया, लितेश बेटा, लितेश, दांतों को बाद में टच करना, पहले आंसर निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। बस गर्दा मचा दो भाई साहब, गर्दा, एक नंबर गर्दा मचा दो पूरा। तहलका तहलका तहलका, रिस्की जट खटकर, रिस्की जट खटकर, क्या हुआ बेटा, रिस्की जट खटकर, वीडियो ऑन करो वीडियो, जल्दी जल्दी जल्दी। महाकाल के आशीर्वाद से आंसर निकाल दीजिए बेटा। प्रभु श्री राम जो वनवास पर गए थे तो यश डोलस को कह के गए थे, भैया 2022 में कक्षा 8वीं के छात्रों के साथ कैरियर डिफेंस स्कूल में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। और मैं आंसर की दरकार में, अरिहंत गणेश बढ़िया आंसर है, हर्षवर्धन बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई, दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़िया 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 बढ़िया। देखिए बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। मतलब हमको दे रखा भैया 2x+3y बटा 3x+5y इज इक्वल टू 18/29 आपको दे रखा है ना। अब मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहा हूँ, आप भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं अगर मन हो आपका दिल लगाने का किसी मोड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ। किसके साथ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो आप भी अपना मन लगा सकते हैं जिस तरीके से मैं लगा रहा हूं। ये बन जाएगा मेरे भाई 29 × 2x+3y इज इक्वल टू 18 × 3x+5y। इसको भैया जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 58x+87y। 58x+87y इज इक्वल टू 18 3 जा कितने, 54 है ना, 54x+90y, 54x+90y। तो पूरा सॉल्व करने के बाद 58 में से 54 किया कितना, 4x, 4x इज इक्वल टू 3y, 4x इज इक्वल टू 3y, और x रेशो y कितना आ गया, x अपॉन y कितना है मेरे भाई, x अपॉन y कितना आया, 3:4 इज द करेक्ट आंसर, 3:4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ जी सर हमको समझ आ गया। चले आगे बढ़े, आगे देश का नाम रोशन करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपने आज का काम क्या है आप लोगों का, साथ में मैथमेटिक्स तो पढ़ेंगे ही, जो बजट आया है, बजट सत्र आया है 2022 का, वो भी आपने पढ़ना है, ठीक है। किसको क्या मिला, किसको नहीं मिला, गरीब को क्या मिला, अमीर को क्या मिला, मिडिल क्लास वाले को क्या मिला, सबको पढ़ना है आपने, आपको मालूम होना चाहिए भैया देश के नागरिक होने के नाते। चलें आगे बढ़ें आगे, पंचमवीर रंधावा, चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना। जिस तरीके से इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, उसी तरीके से हमने क्वेश्चन के ऊपर भी धीरे 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 तंज कसनी है। क्या कसनी है मेरे भाई, तंज कसनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बढ़िया, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखो देखो, अब देखो लिखिए, डिवाइड ₹750 इन ₹2:3 बिटवीन ए एंड बी। इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता भैया, इससे डिफिकल्ट तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर बढ़ाना है। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है मेरे भाई, ये तो बहुत इजी है। जल्दी से अब देखिएगा, आपको मालूम पता चल गया कि यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा 2 जमा 3 की जो वैल्यू है वो 750 है,
ये पता चल गया सभी को कि भैया 2 जमा 3 की वैल्यू कितनी है, 750 है। मतलब 5 की वैल्यू क्वेश्चन में बेटा 750, तो भैया 1 की वैल्यू कितनी, 750/5 कितना, 150, 150। अब देखिए ए के पास कितना हिस्सा, 2, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 150 कितना, 300। और भैया जो बी वाला है उसके पास कितना है, 3, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना 150 कितना, 450। और यही आपका आंसर आएगा बेटा, डायरेक्ट करेंगे बेटा डायरेक्ट। देखो रेशियो को ऐड करके भी निकाल सकते हैं हम क्वेश्चंस को, रेशियो को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। और अगर आपने ऐसे माना है, और अगर आपने ऐसे माना है कि भैया ए का जो हिस्सा है वो 2x है, बी का हिस्सा 3x है, ऐसे माना है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, है ना, तो भी आप निकाल सकते हैं कि भैया 2x+3x जो है वो टोटल 750 है। तो बेटा x की वैल्यू फिर भी 150 ही आएगी, और यही मैंने यही कनेक्शन निकाला है, ये वाला, यही सेम टू सेम है। बढ़िया, बढ़िया बच्चे, बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया, 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 बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखिएगा आप, लिखिए फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 16। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, लिखिएगा फाइंड द फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 25 एंड 16। अब मीन मतलब मिडल वाला, मीन का मतलब क्या होता है, मिडल वाला, है ना। बढ़िया, मीन मतलब मिडल वाला, बीच वाला। अब देखिएगा सुप्रिया बेटा, वीडियो ऑन रखनी है, आंसर जो है वो वीडियो ऑन के साथ निकालना है मेरे भाई, वीडियो ऑफ के साथ नहीं निकालना है आंसर आपने, वीडियो ऑन के साथ निकालना है। हर्षवर्धन राज, ना कॉपी है ना पेन है, नवाब ज्यादा बड़े आराम से बैठे हैं क्लासरूम के अंदर। आई नोटिस एवरीथिंग मेरे भाई, आई नोटिस एवरीथिंग। पढ़ाने से ज्यादा मुझे फिक्र रहती है कि आपका डिसिप्लिन कहाँ जा रहा है, एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। कुणाल चौधरी, बस बड़ा बस, दिख गया मुझे, दिख गया कुणाल चौधरी मेरे भाई, दिख गया कुणाल चौधरी। क्रिश शर्मा दोबारा हाजिर हैं अपनी मदर से बातचीत करने के बाद, क्रिश शर्मा हाजिर हैं हमारे साथ दोबारा। बढ़िया बच्चे, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो देखिएगा, अब देखो मैंने क्या माना कि जो मीन प्रोपोर्शन है वो एक्स होगा। आर्यन डडवाल का बहुत स्वागत है काफी दिनों के बाद। वो पता नहीं कौन सा गाना है, मुझे अभी याद आ रहा है कि काफी समय बाद, लड़की पे गाना, प्यार और गाड़ी नहीं दिखाना, कुछ मुझे ऐसा याद आ रहा है। वो जो रैप है वो एमवी बंटाई का, एकदम से दिमाग में छन्ना सा गया। अंशिका सिंह बेटा, बातचीत नहीं, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है मेरे भाई, बातचीत नहीं करनी क्लासरूम के अंदर। देखिएगा मैंने क्या माना, लेट द मीन प्रपोर्शन भी, मीन प्रपोर्शन भी एक्स। मीन प्रपोर्शन का मतलब है जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, जो बीच वाली वैल्यू होती है, मिडल वाली। इसका मतलब होगा कि ये जो नंबर्स हैं 25x और 16, ये भाई तीनों प्रपोर्शन में होंगे। ये प्रपोर्शन, अगर ये प्रपोर्शन में होंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट इंप्लाइज 25:x प्रपोर्शन x:16। यहां से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। सत्यम पटियार, बातचीत बाद में कर लेना, सत्यम पटियार, सत्यम पटियार। यहां से मेरे भाई अगर आपने एक्स निकालना है तो क्या आएगा, जल्दी से निकालेंगे, x/16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से देखेंगे आपकी एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400, और भैया एक्स की वैल्यू आ गई 20।
मतलब जो आपका बीच वाला नंबर, हाँ सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, 20 होगा। देयरफोर मीन प्रपोर्शन कितना आ गया, मीन प्रपोर्शन कितना आ गया, 20 आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।